my God! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वैवन कह रही होती कि नहीं नहीं मैं ही हूँ जो तुम्हें ना मतलब डैडी बनवाना चाहती थी। तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो बताओ। अब ना वैनमैन यही बात बोले जा रही होती है सियान से। सियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो सर पकड़ के बैठ जाता है। कह रहा होता है कि ठीक है फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो कह रही होती है क्या नहीं लगता तुम्हें। तभी हम देखते हैं वो उसके पास बैठ जाती है और कह रही होती है कि बेबी क्या तुमने मुझे मिस किया, बताओ। सियान की बॉडी अब ठीक होती जा रही है। तभी टैंग आता है, कह रहा होता है कि मैंने सावर ले लिया। अब वैन यहाँ पर डर जाती है, कह रही थी अरे अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें सुलाने चलती हूँ। तभी हम देखते हैं वो सियान की तरफ देख रही होती है, कह रही होती है अरे नहीं टैंग टैंग देखो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है, मुझे लगता है कि अगर वो अकेले रहेगा तो डर जाएगा। ठीक है अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई। अच्छा ठीक है चलो हम तीनों साथ में सोते हैं। अब वैन ये बात बोल रही होती है। खैर हम देखते हैं ये तीनों के तीनों साथ में आ चुके होते हैं, जहाँ पर वैन ना कह रही होती है टैंग टैंग तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या मम्मी तुम्हें स्टोरी सुनाए। टैंग टैंग कह रहा होता है कि हाँ। टैंग वैनमैन कह रही होती है कौन सी स्टोरी सुनोगे। टैंग टैंग कह रहा होता है कि वही वाली जो लास्ट नाइट आपने सुनाई थी। सियान सोच रहा होता है कि अच्छा इसने मुझे लगता है कि मेरी वाली स्टोरी सुनाई होगी। खैर हम देखते हैं वैनमैन उसे फिर से स्टोरी सुना रही होती है। कह रही होती है कि बहुत समय की बात है, एक छोटी सी क्यूट सी बेबी थी जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड और वो ना जंगल में जा रही थी। अब यहाँ पर वैन सारी स्टोरी बताई रही होती है। टैंग टैंग सो चुका होता है, तभी सियान आता है। वो कह रही होती है क्या हुआ। सियान कह रहा होता है कि ये अलग है। क्या अलग है? देखो जो तुमने स्टोरी सुनाई थी ना मेरे को वो अलग है और ये वाली अलग है। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, वैनमैन कह रही होती है कह रही नहीं ये अभी भी मजाक कर रहा है। खैर वो कह रही होती है कि देखो जो मैंने मतलब अभी सुनाई है ना वो नॉर्मल है और जो मैंने तुम्हें सुनाई थी वो स्पेशल वाली थी। सियान कह रहा होता है कि स्पेशल वाली। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ वैसे तो सच बता रही हूँ, देखो तो जरा टैंग टैंग कितना ज़्यादा क्यूट है, देखो देखो ना कितना बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और कितना प्यारा है। अब वो सियान की तरफ मतलब जो है टैंग टैंग को पकड़ा देती है। खैर हम देखते हैं सियान भी अपने बेबी को ही देख रहा होता है। वैनमैन कह रही होती है कि ऑफ कोर्स देखो ना कितना ज़्यादा प्यारा है, खैर हम दोनों का जो कंबाइन जीन्स होंगे वो भी ऐसे ही बेबी बनाएगा है ना, लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसे ऐसे छोड़ के क्यों दिया। अब सियान ने उससे क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है आखिर ये बता आखिर तुम्हें किसने हेल्प करने के लिए ये बात बोली थी। वैनमैन कह रही होती है कि अरे नहीं वो उस ईडियट ने, क्या करूँ मैं, मेरे को भी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि उसने मेरी एक बार हेल्प करी थी, मैं उसकी कर्जदार हूँ। अब यहाँ पर जो वैनमैन होती है वो ये बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है कि ओहो इसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत हो रखी है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती थी खून से, खून को देख के डर जाती थी और अब ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हो चुकी है। खैर वो एक साइड में आता है, कॉल मिला रहा होता है, हेलो। अब सामने से एक बंदा कह रहा होता है कि मास्टर देखो गैंग के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चल पाया, हम उसे ट्रैक कर पा रहे हैं। अब ये पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लोग ना यूरोप में गए थे और वहाँ से अचानक से गायब हो गए थे, मेरे को लग रहा है ना सीमिंगली के पीछे कोई और है, मुझे यही लग रहा है। और जो पर्सन था ना जिसने वैनमैन को बचाया था वही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये वैनमैन के कारनामे हैं। सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है तुम लोग इन्वेस्टिगेट करते रहो। वो पर्सन कह रहा होता है कि बाकी सिमलिंग का क्या करना है, तुम लोग इन्वेस्टिगेट करते रहो। खैर हम देखते हैं यहाँ पे फ़ोन कट हो चुका होता है। सियान सोच रहा होता है कि पक्का पक्का इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सी फैमिली के अंदर से ही कोई होगा। अब हमें एक पर्सन दिखाया दे रहा होता है जो कि मतलब शतरंज वगैरह खेल रहा होता है और एक राजा से दूसरे राजा को निपटा रहा होता है। यहाँ पर सियान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वो पक्का जो पर्सन है ना वो पक्का उसकी सी फैमिली के अंदर बहुत बड़ा मतलब कनेक्शन होगा और वो पक्का हमारी फैमिली में से कोई ना कोई होगा। खैर मॉर्निंग हो चुकी होती है। अब यहाँ पे वैनमैन की आंखें खुलती है, अब वो देख रही होती है कि जहाँ पे सियान और टैंग टैंग दोनों साथ में सो रहे होते हैं, मतलब एक साथ एक ही बिस्तर पे। अब वो ये देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। खैर कह रही होती है कि वाह देखो तो जरा एक अडल्ट है और एक चाइल्ड है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये, आय हाय। फिलहाल हम देखते हैं उसके बाद मैसेज आता है। अब वो कैप्टन नहीं होता है, उसने मैसेज लिखा होता है कि उसे टैंग टैंग की पिक्चर्स चाहिए होती है। वैनमैन कह रही होती है कि अरे नहीं। अब वो फोटोज़ वगैरह उसकी क्लिक करती है और उसे सेंड करने लगती है। खैर हमें दिखाया देता है कि उसने ना फोटो मतलब सिर्फ टैंग टैंग की ली होती है, सियान की एक मतलब आधी फोटो ली होती है। अब उसे भेज देती है, जैसे उसके पास मिलती है वो खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह अब मैं क्वीन मदर को सेंड कर पाऊँगा। तभी वो देख ध्यान से देखता है, उसे पता चलता है कि एक आदमी और भी है उसके साथ में। तभी वो क्वेश्चन करता है कि आखिर ये फेमस ये बताओ आखिर वो आदमी कौन है जो टैंग टैंग के साथ में है। अब वैनमैन बता रही होती है, कह रही होती है कि और कौन हो सकता है बताओ, डैडी होंगे ना उसके। अब नेमलेस नहीं कह रहा होगा डैडी, आखिर उसके डैडी कहाँ से आ गए। अब उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला और कितने रुपए का मिला है। वैनमैन कह रही होती है कह रही क्या कितने रुपए का है, मेरा बॉयफ्रेंड है कोई एक्टर, मतलब एक्टर वैक्टर नहीं है ये,
वो कह रहा होता है कि अच्छा टैंग टैंग ने विश्वास कर लिया, ऑफ कोर्स विश्वास करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हारे जैसा स्टूपिड थोड़ी ना है। अब यहाँ पे वैन वैन ना ये सारी बातें उसे बता रही होती है, लंबे लंबे पैरा दे रही होती है। तभी जो पर्सन होता है ना कैप्टन, उसका फ़ोन बज रहा है, बज जाता है। अब जैसे ही फ़ोन बजता है उसके हाथ से नीचे छूट के गिर जाता है। अब वो ध्यान से देखता है कि इसमें फ़ोन में ना मतलब उसकी मम्मी ने कॉल किया होता है, क्वीन मदर ने। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, क्वीन मदर का कॉल है। फिलहाल वो फ़ोन उठाता है, मम्मी तुमने देखा, देखा मैंने बोला था ना इनके जो पेरेंट्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, देखो छोटी हस्बैंड छोटा वाइफ बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है अपनी मम्मी से। उसकी मम्मी कह रही होती है कि वो जो लड़की है उसकी जो फ़ोटो है। अब ये कैप्टन पूछ रहा होता है कि क्या क्या फ़ोटो है। वो कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारी वरीलेस है। वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी वैसा लगता है, लेकिन वो नहीं है। टू बी ऑनेस्ट जो मिसी है ना वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है वरीलेस से, और बहुत ज़्यादा ही अलग है। तुम्हें पता है मम्मी, मैंने चेक किया था, ये ई फैमिली की सेकंड मिस है, और मुझे नहीं लगता कि ये वरीलेस हो सकती है। अब नेमलेस ना ये बात बोल रहा होता है अपनी मम्मी से। खैर तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि ठीक है फिर टैंक टैंक का और बाकी इन सबका ख्याल रखना। ये कह रहा होता है कि हाँ आप चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसकी मम्मी कह रही होती है कि हाँ हाँ आई होप कि तुम रखोगे। खैर हम देखते हैं वैन टैंक टैंक और सियान दोनों की नींद खुल जाती है। अब वैन उनके पास आती है, कह रही होती है अरे तुम दोनों जाग गए। वो कह रहा होता है कि मम्मी। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है गुड मॉर्निंग बेबी। अब वो बेबी बोलती है। फिलहाल ये दोनों के दोनों सोच रहे होते है कि आखिर ये किसको बोल रही है, क्योंकि भाई वो बेबी ना दोनों को बोलती थी। अब यहाँ पे सियान भी देख रहा होता है, टैंग टैंग भी देख रहा होता है। वैवन समझ जाती है कि अरे नहीं मुझे निकनेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये दोनों को बेबी बुलाती थी। खैर तभी वो टैंग टैंग के सर पे हाथ रखती कह रही थी गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम कल रात को अच्छे से सोए थे, बताओ कैसी रही रात। अब वो उससे ये बात पूछ रही होती है, टैंग खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि हाँ टैंग टैंग को अच्छी नींद आई मम्मी गुड मॉर्निंग। अब वो ये बात बोलता है। वैन वैन कह रही होती कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ, ये देखो आज हम लोग ये पहनेंगे पेरेंट्स चाइल्ड कपड़े। फिलहाल हम देखते हैं वो ना टैंग टैंग और सियान दोनों के लिए एक एक कपड़े लेकर आई होती है। टैंग कह रहा होता है कि वाह मम्मी क्या आप भी पहनोगी। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स मम्मी भी तो पहनेंगी, लेकिन सियान के तो भाई अलग ही रिएक्शन आ रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं वो उसे पहना देती है, कह रही होती है कि वाह बहुत ही क्यूट लग रहे हो। अब टैंग टैंग लग भी क्यूट रहा होता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन उसे कह रही होती है कि टैंग टैंग जाओ तुम नीचे जाके हाथ मुंह धो लेना और ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी है, ठीक है जाओ। अब वो भी कह रहा होता है कि ओके मम्मी। अब हम देखते हैं वो जाता है। अब यहाँ पे जो वैनमैन होती है ना वो कह रही होती है कि चलो ठीक है एक मुसीबत तो टल गई, अब दूसरी मुसीबत को झेलना है। खैर वो सियान के पास आ रही होती है। सियान कह रहा होता है कि क्या हुआ बताओ क्या हुआ। अब वो गुस्से से ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वैनमैन उसके पास आती है, कह रही होती है कि हबी गुड मॉर्निंग। अब यार एक बात बताओ, पहले तुम मतलब पहले ना वैन वैन पहले उसे डियर बुलाती थी, उसके बाद उसने बेबी बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर बेब, अभी चौथी बार है कि ये हबी उसे बुला रही है। खैर वो कह रही होती है कि देखो अब हमारे पास रियल का बेबी आ चुका है तो तुम्हारा नाम तो इन्वॉल्व होगा ही ना, तो अभी कैसा लगा बताओ तुम्हें अच्छा लगा। तभी जो सियान होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ले भैया फिर से स्टार्ट हो जाता है मतलब मॉर्निंग केस। अब उसे अच्छे से केस वगैरह कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ अच्छा लगा। वैन वैन भी उसकी बात देख रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर आज हम लोग कपड़ा अच्छे से पहनेंगे और घूमने जाएंगे बिल्कुल एक फैमिली की तरह, वो भी साथ में। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वैन वैन ने भी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिटी लग रही होती है। कह रही होती है कि सियान अभी आप भी ये कपड़े ट्राई करो। अब वो सियान की तरफ दे रही होती है, कह रही होती है कि फैमिली को ना कम्प्लीटली फैमिली बनाने के लिए सबको साथ में रखना जरूरी होता है, ओके। अब वो ये बात बोल रही होती है सियान से। सियान उसकी तरफ देखता है, वो कह रही होती है कि अभी प्लीज़ ट्राई करो ना, करो करो। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई तीनों ड्रेसअप वगैरह हो चुके होते हैं और तीनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे होते हैं। अब जैसे सू देखता है ना, कह रहा होता है कि हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब सू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सॉक्ड हो चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं मैम उसके पास आती है, कह रही होती है कि हाउसकीपर सू मुझे तुम अभी तक यहाँ पर हो। अब सू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं मैं तो हमेशा यहीं पे रहता हूँ, मैं बाहर कहाँ जा सकता हूँ। वैन कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ लास्ट नाइट के बारे में। अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि यार शिट मैं तो कल रात को बताना भूल गई थी इसे सब कुछ। अब वो सारा मैटर जो है इसे बता देती है। सू कह रहा होता है कि अच्छा इसीलिए सियान यहाँ पर मतलब नाइन्थ मास्टर यहाँ पर बेबी की हेल्प कर रहे हैं। अब वैन वैन भी इन लोगों के साथ में नाश्ता करने के लिए आ चुकी होती है, जहाँ पर सियान उसे ना मतलब एग दे रहा होता है। खैर तभी वैन वैन सोच रही होती है, कह रही होती है कि इसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि ये हर वीकेंड पे मेरे साथ डेट पे चलेगा और इस बार तो हमारे पास पूरी फैमिली होगी, अब आएगा ना मज़ा। खैर वो सियान की तरफ देखती है, सियान उसकी तरफ देख रहा होता है और कन्फ्यूज लग रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ इसे कुछ बोलना है क्या। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि अच्छा तुम बताओ आखिर तुम कहाँ खेलना पसंद करोगे। अब वो टैंक से पूछ रहा होता है, टैंक कह रहा होता है कि खेलना मेरे को। तभी वैन वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि हाँ आज मम्मी पापा फ्री हैं तो फिर आज ना हम लोग खेलने जाएंगे, बेबी बताओ तुम्हें कहाँ पे जाना है।
जू जाना है या फिर अम्यूजमेंट पार्क चलना है? बताओ तो मैं जहाँ चलना है बता दो। टैंक कह रहा होता है कि अच्छा, अब वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर अब हम लोग ना पार्क में चलेंगे। ओके, टैंक भी कह रहा होता है कि हाँ ओके। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग ना अम्यूजमेंट पार्क की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ लगी होती है। अब हम देखते हैं भाई, ये दोनों बहुत ही मतलब ये तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया लग रहे होते हैं, और मतलब बिल्कुल ही सज धज के आ रखे होते हैं। तीनों के पास बैग होता है सिवाय टैंक को छोड़ के, तो तीन कहाँ है यार। खैर तभी हम देखते हैं वेमन कह रही होती है कि सियान देखो मेरे को ना वो कॉटन कैंडी खाना है। अब वो कॉटन कैंडी मतलब जो बुढ़िया के बाल होते हैं वो खाने की बात कर रही होती है। सियान उससे पूछ रहा होता है कितना खाना है, वो कहने लगती है कि एक बहुत बड़ा वाला काफ़ी होगा। अब हम देखते हैं वो बहुत बड़ा वाला ले लेती है जो बुढ़िया के बाल होते हैं, और कह रही थी कि वाह कितना प्यारा है ये लो खाओ इसे, बहुत प्यारा है। टैंक टैंक तुम भी ट्राई करो। टैंक कह रहा होता है कि मैं, तभी जो सियान होता है ना वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये कॉटन कैंडी है, खा के देखो बहुत बढ़िया है। अब वेमन कह रही होती है कि हाँ हाँ तुम भी खाओ बहुत बढ़िया है ये। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि पहले मैंने सियान को बताया था, अब वो अपने बच्चे को बता रहा है, हाँ अच्छी बात है। खैर तभी हम देखते हैं टैंग उसे ट्राई करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अब वो फिर से खाने लगता है, मतलब अच्छी लगती है तो वो खाना स्टार्ट कर देता है। खैर हम देखते हैं ये तीनों के तीनों अच्छे से मौज मस्ती काटते हुए जा रहे होते हैं। अब वैन वैन कह रही थी कि वाह अच्छा है और भी मज़ा करेंगे ये, चलो और भी कुछ खाएंगे। खैर हम देखते हैं वो दूसरी शॉप पे आते हैं, कह रही होती है कि वाह ये बैजेस तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, मुझे ये ख़रीदना है। अब वो छोटे छोटे जो बैजेस वगैरह होते हैं वो परचेज़ कर लेती है। खैर हम देखते हैं दूसरी तरफ जाती है, कह रही होती है कि वाह ये लॉलीपॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खैर यार हमारी फैमिली के अंदर ना मतलब ऐसे ऐसे इधर उधर दूसरी शॉप पर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट पापा कहते हैं इधर चल उधर चल। खैर हम देखते हैं मैम कह रही होती है कि ये लो टैंग टैंग ये तुम फोटो ले सकते हो। अब इन लोगों ने फोटो वगैरह भी खिंचवा रखी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना मतलब स्काई शॉट स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है वेलकम टू द रॉयल पार्क वन। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना ये तीनों आ चुके होते हैं, जब मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी होती है। तभी जो सियान होता है ना वो वैन वैन को थोड़ा अपने पास लेता है, और जो टैंग टैंग होता है उसे मतलब अपनी गोद में उठाने लगता है। अब हम देखते हैं वो टैंग को उठाता है और अपने सर पे मतलब कंधे पे बैठा देता है। तभी हमें दिखाई देता है कि टैंक उसके कंधे पे होता है और वैनवैन साइड में होती है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब वो ऐसा लग रहा होता है जैसे परफेक्ट फादर बन चुका हो। खैर यहाँ पे जो वैनवैन होती है वो यही बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि बच्चे के बाद ना सियान बिल्कुल फादर की तरह, फादर बनने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा जेंटल हो चुका है। खैर हम देखते हैं रात में ये लोग रेस्टोरेंट वगैरह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर वो कह रही होती है कि तो आप लोगों ने रिजर्वेशन करा रखी है, प्लीज़ आप इधर आइए। अब वो जैसी जा रही होते हैं वैसे हमें दिखाई देता है कि जो सियान होता है ना उसके दोनों भाई भी मिल चुके होते हैं। खैर वो दोनों देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, कह रहे थे कि अरे ये ब्रदर हमारे यहाँ पर ये कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब ये भाई दोनों के दोनों सौगड़ हो चुके होते हैं, क्योंकि भाई सियान का ये पहली बार ऐसा रूप होता है कि वो ऐसे मतलब अपनी फैमिली के साथ में आया हो, वो भी वैन वैन के साथ। वैन वैन भी उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है, मतलब मुंह बना रही होती है। खैर तभी वो कह रही होती है कि तो लिटिल पे कैसे हो, वो कह रहा होता है कि हाँ मैं बढ़िया। अरे नहीं ये क्या पॉइंट होता है यहाँ पे बात करने वाला, तुम मेरे को ये बताओ आखिर तुम्हारे पास ये बेबी क्या कर रहा है और यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये दोनों क्वेश्चन करने लगते हैं, दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है जो सू होता है मतलब जो सी होता है, वो कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे पास ये बच्चा कहाँ से आया, इवन मैन आखिर किसका बेबी चुराया है तुमने बताओ मेरे को। ये बात सुन के टैंक को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन भाई वो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। खैर तभी वैन वैन कह रही होती है कि देखो वो तुम हो जिसने बच्चा चुराया, ओके मैंने तो इस बच्चे को जन्म दिया है। वैन वैन ये बात बोलती है, वो कह रहा होता है क्या तुमने जन्म दिया है, तुम कैसे जन्म दे सकती हो। वैन वैन कह रही होती है कि क्यों मैं क्यों नहीं दे सकती, मेरे पास सियान है तो हम दोनों ने मिलकर जन्म दिया है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, आखिर तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा बताना जरा। अब वो कैब वाला बंदा ये बात बोल रहा होता है, तभी वैन वैन कह रही होती है कि जरा ध्यान से देखो इसकी शक्ल मेरी शक्ल ध्यान से देखो मैच नहीं कर रही क्या। अब वो कह रहा होता है कि हाँ यार मैच तो कर रही है बिल्कुल फैमिली लग रही है, एक मिनट रुको जरा कुछ तो गड़बड़ है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि एक मिनट तुम्हारी एज क्या है, कितने साल की हो तुम और तुम ऐसे कैसे जन्म दे सकती हो, अगर तुमने जन्म दिया है ना सच में तो मेरा बड़े भाई बीस्ट कहलाएंगे। वैन कह रही होती है कि ठीक है फिर तुम्हारे बड़े भाई बीस्ट नहीं है। अब वो ये बात बोलती है, खैर वो सियान की तरफ इशारा कर रही होती है, सियान भी थोड़ा अजीब देख रहा होता है उसे। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तुम हो बीस्ट और कोई नहीं है तुम ही हो बीस्ट। अब यहाँ पे वैन वैन कह रही होती है कि ठीक है फिर वैसे भी क्या ही डिफरेंस होता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो अभी बच्चा है ना वो भी सियान का। अब वो ये बात बोलती है, खैर तभी हम देखते हैं वो उसके पास आता है सियान के पास, कह रहा होता है नाइन्थ ब्रदर देखो बहुत टाइम के बाद मिले हैं चलो साथ में टेबल शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं सियान साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो जैसी मना करता है भाई इसका तो दिल टूट जाता है। खैर तभी हम देखते हैं जो दूसरा पर्सन होता है ना सी, वो कह रहा होता है कि बॉस सी देखो बट अ कोइंसिडेंस मेरे को ना तुमसे थोड़ा बिजनेस के मैटर में बातचीत करनी थी। मेहमान कह रही होती है क्या बातचीत करनी थी। खैर तभी हम देखते हैं उसके पास मैसेज आता है, वो मैसेज देख रही होती है इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह लिखा हुआ होता है गुड लक के बारे में। खैर तभी वो कह रहा होता है कि ये मेरी पहली मतलब पहली मुलाकात है तो मैं अपने भतीजे के लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो कह रही होती है कि वाह कितना अच्छा है ये। खैर तभी वैन वैन कह रही होती है कि थैंक यू बोलो अंकल को। अब टैंग ना अंकल को थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। अब वो पर्सन भी कह रहा होता है कि तुम्हारा स्वागत है। तभी हम देखते हैं ये कैब वाला बंदा भी आता है, कह रहा होता है कि मेरी गलती है
मेरे को बकवास बातें नहीं भूलनी चाहिए। ये मेरी पहली मुलाकात है, ये लो रेड एनवलप मेरे भतीजे के लिए। अब वो भतीजे के लिए ये देरी होती है, तभी हम देखते हैं वेवेन्ना इनके पास आती है, कह रही होती है कि चलो डिनर साथ में करते हैं, इन लोगों के साथ में, देखो ना बहुत सारे बंदे आ गए। अब ये पर्सन कह रहा होता है, अरे नहीं पहले तो मैंने पूछा था लेकिन मेरे को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया इनकी। तो खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग एक टेबल पर आगे बैठ चुके होते हैं, जहाँ पर आराम से मतलब बातचीत हो रही होती है। अब सियान कह रहा होता है कि तुम लोग को क्या खाना है। अब वो वेवेन की तरफ से पूछता है, वेवेन कह रही होती है कि देखो तुम्हें तो पता ही है मुझे क्या खाना है, तो तुम ही ऑर्डर कर दो। अब वेवेन ये बात बोल रही होती है, तभी सियान ना टैंक से पूछ रहा होता है कि तुम क्या लोगे बताओ। टैंक कह रहा होता है कि मैं तो कुछ भी खा लूँगा डैडी। अब वो ये बात बोलता है, जैसे वो डैडी बोलता है ना भाई, सियान उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। खैर तभी वेवेन सोच रही होती है, कह रही होती है कि यार ये तो फर्स्ट टाइम है जो टैंक ने डैडी को बुलाया हो, अब मुझे लगता है कि ये डैडी बोलना सीख चुका है। सियान कह रहा होता है कि ओके ठीक है। तभी हम देखते हैं भाई वो पर्सन ना घूरे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट आखिर ये फादर के भेस में इतने काइंड कैसे हो सकते हैं, आखिर ब्रदर सियान ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उस पर्सन को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि नाइन्थ ब्रदर क्या ये सच में तुम्हारा बेबी है। अब वो ये बात पूछ रहा होता है उससे, क्योंकि भाई इसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सियान कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो उसकी तरफ देखता है वेवेन की तरफ, वेवेन कह रही होती है कि तो देखो हमारे पास बच्चा है, तुम्हें और कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें क्या लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं। नहीं नहीं तो मुझे पता है तुम नाटक नहीं कर रहे हो। अच्छा हाँ देखो सी को देखो कितना शांत बैठा हुआ है। अरे हाँ सी तुम बताओ, तुम मेरे को कुछ बात बताने के लिए बात कर रहे थे ना, क्या हुआ क्या दिक्कत है। अब वो कह रहा होता है कि हाँ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एसजी के साथ ओवर होने वाला है। तभी वेवेन कह रही होती है कि अच्छा तो तुम क्या नई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, बोलो क्या करने वाले हो। अब वो ये सारी बातें उससे कह रही होती है, वो कह रहा होता है कि नहीं नई कंपनी तो स्टार्ट नहीं करूँगा, बाकी मैं स्विच करने के बारे में सोचूंगा, कैसा रहेगा कि बॉस ही मैं तुम्हारे साथ साइन इन कर लूँ। अब वो बॉस ही के साथ में आने की बात कर रहा होता है वेवेन कह रही होती है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, देखो मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है तो तुम मेरी कंपनी में कैसे क्यों आ रहे हो यार, नहीं आ सकते तुम। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। खैर वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ बॉसी, आप एक बार ज़रूर सोचना। अब वो ये बात बोल रहा होता है बॉसी से, मतलब ईवेन वैन से, वैमन सॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि अच्छा इसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये मेरे से मस्ती कर रहा है, मैं समझ गई, अच्छा ठीक है सीरियसली नहीं लेना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर बातचीत चली रही होती है, तभी सीना पानी निकालने के लिए उसे पकड़ता है। अब मेरे को नहीं पता आखिर इसे क्या कहते हैं। खैर हम देखते हैं वो जैसे ही पानी निकालता है ना, वो गलती से सियान के ऊपर गिर देता है। अब उसने ये जानबूझ के किया होता है ताकि सियान से अकेले में बातचीत कर सके। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है मेरे को ना बाथरूम में मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। अब ये सी भी कह रहा होता है कि ठीक है मैं को मुझे माफ़ कर देना ब्रदर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है, तभी वेवेन सोच रही होती है, कह रही होती है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सी ने जानबूझ के किया हो। खैर हम देखते हैं ये लोग बाथरूम वगैरह में आ चुके होते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि बताओ। अब सियान कह रहा होता है क्या कुछ पूछना है क्या तुम्हें मुझसे। वो कह रहा होता है कि हाँ पूछना तो है, देखो मुझे लगता नहीं है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को वेवेन के ऊपर क्रश है, बोलो। अब वो ये बात बोल रहा होता है सियान से, सियान कुछ बोलता ही नहीं है। खैर हम देखते हैं सी कह रहा होता है कि देखो नहीं होगा डेफिनेटली, मुझे लगता है कि वेवेन को मेरे ऊपर क्रश होगा, है ना है ना है ना। अब वो ये बात फालतू की बातें बोल रहा होता है। सियान कह रहा होता है कि अरे नहीं छोड़ो इसे जाने दो। तभी सी कह रहा होता है कि वैसे तुम ये बताओ आखिर वो बच्चा कहाँ से आया, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि तुम लोगों ने जन्म दिया उसे। सियान कह रहा होता है कि हम लोग एक बंदे की हेल्प कर रहे हैं। अब वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वैसे वो मेरे को ना कुछ उसके जैसी लगती है। अब वो ये बात बोलता है, अब वो जैसे ये बात बोलता है ना सियान भी बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। खैर तभी वो कह रहा होता है कि देखो ज़्यादा मत सोचो ठीक है, मुझे ये पक्का लग रहा है वो, वैसे मैं बता दूँ मैं बिल्कुल सेम लेवल का हूँ लेनर के जैसा, मुझे नहीं लगता। वैसे मुझे डाउट तो हुआ था उसके फर्स्ट एक्सप्रेशन पे, तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है धीरे धीरे करके। सियान तभी गुस्से से बात करता है, कह रहा होता है कि बस करो बहुत हुआ, वो ऑलरेडी मर चुकी है ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़की के बारे में बातचीत हो रही होती है, अब मुझे नहीं पता भाई आखिर वो लड़की कौन है। खैर हम देखते दोनों शांत हो चुके होते हैं, तभी ये पर्सन भी आता है, कह रहा होता है कि हे यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग मेरे पीठ पीछे, सी तुमने तो बोला था ना वैसे तुमने नाइन्थ मास्टर के ऊपर ये जानबूझ के किया है ना, बताओ और उस बच्चे का क्या बताओ। अब हम देखते हैं जो सी होता है वो सारा मामला उसे ही बता देता है, कह रहा होता है कि साहुई देखो ये लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस टेम्प्रेरी फादर बना हुआ है। अब वो कह रहा होता है कि अच्छा अब समझ में आया, लेकिन तुम उस लड़की की बात क्यों सुन रहे हो, वो तो इतनी डंप है। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये प्यार में है, प्यार में कुछ भी हो सकता है। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है एनीवे बता दूं मैं डीमन जो है अपनी रैंक से ही मतलब उसकी जो रैंक है वो चुरा ली गई है सी टियान एकेडमी से। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा वैसे भी पता है मेरे को यहाँ पर नए नए टैलेंटेड पर्सन आते रहेंगे, तो भाई रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा जाहिर सी बात है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ वैसे मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रेसिडेंट की, पता नहीं है कि सिचुएशन कैसी चल रही है और उनके जो फॉलोवर हैं। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं वेवेन बीच में आ जाते हैं, कह रही होती है कि ओ तो क्या बकवास हो रही है यहाँ पर और तुम किस फॉलोवर के बारे में बात कर रहे हो बताओ,
सारे बंदे यहीं पे आ चुके हैं, वो भी एक ही वॉशरूम में। वेवन ये बात बोल ली होती है, तभी सियान आता है, कह रहा होता है कि देखो हम लोग कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब वो बीच में ये बात बोलता है जानबूझ के। वेवन कह रही थी कंपनी के बारे में, अच्छा मेरी कंपनी के बारे में। खैर वो कह रहा होता है कि हाँ वैसे भी मैं बता दूँ, कुछ लोग ना तुम्हें परेशान करने वाले हैं, तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है, मैटर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वेवन कह रही होती है कि ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगी, मैं समझ गई। अब वो सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे कौन सा मैटर है, कौन सा, क्या यहाँ पर ये लोग जेलस होने वाले हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर हम देखते, रात वगैरह हो चुकी होती है। वेवन पूछ रही होती है कि मास्टर मो कब आने वाले हैं हमारे कंट्री। सियान कह रहा होता है कि एक दिन बाद, मतलब कल आने वाले हैं। वेवन कह रही थी कि अच्छा तो मुझे क्या प्रिपेयर करना चाहिए। सियान कह रहा होता है कुछ भी, तुम्हें प्रिपेयर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। वेवन कह रही होती कि अरे नहीं, ये फिर से वही बात बोल रहा है, शिट, आखिर मैं उससे डील कैसे करूँगा अगर प्रॉब्लम आ गई तो। खैर तभी वो कह रही होती कि ठीक है, वैसे हुआ क्या है तुम्हें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा आज का जो मूड है वो बहुत बेकार है, क्या हुआ तुम्हें, तुम नाखुश हो क्या। अब वो सियान से पूछ रही होती है, सियान उसकी माथे पे किस करता है। अब वो उसकी तरफ देखता है। फिलहाल वेवन कह रही होती कि अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो तुम, क्या हुआ तुम्हें। वेवन फिर से क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सियान फिर से उसे किस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दबाजी में नहीं हूँ, अब अच्छा हुआ मूड तुम्हारा। खैर हम देखते हैं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना किन फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम उसके डैड कह रहे होते हैं कि मास्टर मो कल आने वाले हैं, तो तुम रेडी हो ना, जो मैंने तुम्हें प्रिपेयर करवाया है तुम्हें तुमसे। वो कह रही होती है कि हाँ मैं सब कुछ रेडी हूँ डैड, आप चिंता मत करो। वो कहने लगते हैं कि हाँ मास्टर मो ना फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुम्हें उन्हें इंप्रेस करना होगा, ओके। अब वो जो लड़की होती है केन कह रही होती है कि यस डैड, मैं उन्हें अच्छे से इंप्रेस कर दूंगी। तभी वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है, और उस लड़की का क्या, आखिर वो कर क्या रही है आजकल। केन कह रही होती है कि वो तो एक्टिंग वगैरह में ध्यान दे रही है, मैंने सुना है उसके बारे में, वो मूवी वगैरह में ध्यान दे रही है। अब जो उसके डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, ध्यान रहे कि वो उनके नज़र में ना आनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें उन्हें इंप्रेस करना ना कि उसे। खैर इसी के साथ सीन से पता है नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडियो के अंदर ना एक पर्सन कह रहा होता है कि बॉस टाई, आखिर तुम्हें ना मुझे लगता है कि जाओ लाओ से बात करनी चाहिए इस बारे में, अगर वो गोंगसू को हरास करेगा तो अच्छा रहेगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ बात तो सही है, रुको मैं जाओ लाओ को इन्वाइट करता हूँ। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ वैसे आप भूल गए क्या, वो पर्सन ही वो एक फीमेल लेडी को लेकर आया था, लेकिन गोंगसू उसमें इंटरेस्टेड था, मज़ा आएगा अगर हम इस बात का फ़ायदा उठाएंगे तो, कैसा रहेगा बताओ। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ यार बात तो तुमने सही कही है, आज मज़ा आएगा। अब भाई यहाँ पे इन लोगों ने गुंडे वगैरह को बुला लिया होता है। खैर हम देखते हैं रात वगैरह हो रही होती है, जहाँ पर शूटिंग वगैरह चल रही होती है, फ्लैश वगैरह ऑन हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग देखते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है, मुफेंग ये बात पूछ रहा होता है। एक पर्सन कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो फैन है ना हमारा, उसने एक गिलास तोड़ दिया है। अब वो जानबूझ के यहाँ पे बहस करने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। मुफेंग उसकी तरफ देखता है, कह रहा था कि अरे नहीं ये तो जैंग लाओ लग रहा है मेरे को। अब मुफेंग बड़े ध्यान से उसे देखता है, खैर वो एक देखता है कि ये तो जैंग लाओ है। अब हमें दिखाई देता है कि तीन चार गुंडे ना बीच में ज़बरदस्ती घुसे जा रहे होते हैं, बॉडीगार्ड से मतलब ज़बरदस्ती हटाए जा रहे होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब मुफेंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि अरे ब्रदर जैंग क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ रोज तुम यहाँ पर कैसे। वो कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मुझे बस गोंगसू से बात करनी है, बुलाओ उसे, कहाँ है वो। अब मुफेंग कह रहा होता है कि जाओ उसे देख कर आओ, और गोंगसू को कह देना कि वो अंदर ना, मतलब यहाँ पर ना आए, ओके, मुझे लगता है कि गोंगसू को बचाना पड़ेगा मुझे। तभी हम देखते हैं उसके पास ना उसकी बहन का फ़ोन आता है, बहन बहन का कॉल आता है, वो फ़ोन उठाता है। अब वो कह रहा होता है कि हेलो ब्रदर। अब बैरमैन ये बात बोल रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, वो कह रहा होता है कि तुम बहरा है क्या, जा लेकर आ जल्दी उसे। बैरमैन भी बात कर ही रही होती है, कह रही होती है कि क्या हुआ ये अचानक इतना नॉइज़ क्यों आ रहा है। अब पीछे मतलब भाई गुंडे वगैरह लड़ रहे होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है आवाज़ तो आएगी ना। खैर वो कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं यहाँ पर ना कुछ नहीं हुआ है। बैरमैन पूछ रही होती है कि बताओ कुछ हुआ है ना यहाँ पर, मैं किसी को भेजूँ क्या। अब वो ये बात बोल रही होती है, खैर हम देखते हैं, वो कह रहा वो सारी बात बता देता है, कह रहा होता है कि दिक्कत वाली बात नहीं है मैं देख लूँगा, ओके, जैंगला और यहाँ पर अपने बंदे लेकर आ रखा है, ठीक है डरो मत। बैरमैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं अपने कुछ लौंडे को भेजती हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो अपनी नाटक, दूसरी जो नाटक कंपनी होती है उनमें से आके कहती है, कह रही होती है कि देखो स्टूडियो पे ना कुछ बंदे आ चुके हैं हंगामा मचा रहे हैं, तो तुम में से कौन जाएगा बताओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टूडियो का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर मुफेंग कह रहा होता है कि जैंग देखो मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार था, तो तुम यहाँ पे ये हरकतें मत करो, ठीक है, वो तोड़फोड़ मचा रहा होता है। तभी गोंगसू भी आ जाता है, मुफेंग कह रहा होता है गोंगसू देखो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, रुक जाओ, तुम मत जाओ प्लीज़, तुम अलाउ नहीं हो यहाँ पर जाने के लिए। गोंगसू कह रहा होता है कि मेरे लिए आया ना, रुक जा मैं इसे बताता हूँ। तभी लुओचैन आता है, कह रहा होता है गोंगसू देखो ब्रदर ही बाद में चिंता करेंगे तुम्हारे बारे में, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तुम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर हो, ओके समझो हमारी बात। अब लुओचैन ये बात बताता है उसे, गोंगसू मान जाता है। खैर वो जैसे ही मानता है ना, यहाँ पे मुफेंग कह रहा होता है कि ओहो इसे ना लुओचैन जैसा होना चाहिए, इतने अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं वो कुंडे लोग आ चुके होते हैं, वो कह रहा होता है कि ओ हेलो मेरी बहन के सामने तो तू बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था, अब दिखाना गुस्सा, क्या हुआ तुझे, कछुआ में क्यों छुपा हुआ है बता। गोंगसू चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या मैं कछुआ हूँ, तू है कछुआ, तू
मेरे एक बार बॉस को आने दे, फिर बताएगा वो तेरे को। अब गोंग सू ये बात बोल रहा होता, कह रहा होता कि मेरे बॉस को एक बार आने दो, फिर बताएंगे तेरे को। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग हंस रहे होते, कह रहे होते कि हाँ 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 अरे मेरे को तो डर लग रहा है, हाँ हाँ तुम्हारे बॉस से डर लग रहा है, हाँ हाँ मैं भी तो देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा बॉस कितना पावरफुल है, क्या वो हम तीनों को बचा मतलब मार पाएगा या फिर तुम लोगों को बचा पाएगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक कार आती है। अभी पर्सन कह रहा होता है कि ओह वाह ब्रदर ही आ गए ये। अब सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं भाई वहाँ से ना एक लड़की निकलती है। अब वो छोटी सी बच्ची होती है। अब ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते कि हैं ये कहाँ से आ गई। तभी वो मुफेंग कह रहा होता है, कह रहे तुम वही हो जिसने ब्रदर ही ने बुलाया था। गोंगसू कह रहा होता है, कह रहे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ब्रदर ही कहाँ पर है बताओ, उन्होंने तो मैसेज किया था ना कि वो आने वाले हैं, तो तुम यहाँ पे कैसे। तभी वो लड़की ना गोंगसू की तरफ देख के कह रही होती कि हे तुम तो मर गए थे ना, तुम जिंदा कैसे हो। गोंगसू कह रहा होता है क्या मैं मर गया था। वो कह रही होती कि और नहीं तो क्या, तुम मर गए थे ना लेडी सैन के प्यार में, बोलो अब तुम जिंदा कैसे हो गए, तुम ही तो थे वो जो जो उससे प्यार कर रही थी। गोंगसू कह रहा होता है कि छोटी बच्ची वो एक मूवी थी, रियल थोड़ी ना था। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे देखो मैटर पे आओ, ठीक है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे, ब्रदर ही कहाँ है, वो हमें बचाने के लिए आने वाले थे ना, क्या हुआ। अब वो कह रही होती कि ब्रदर ने मेरे को भेजा है। अब वो स्टाइल मारती हुई ये बात बोल रही होती है, रॉक बन रही होती है बिल्कुल। फिलहाल ये लोग देखते हैं, कह रहे होते कि हैं। अब वो दोनों जो मतलब बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो लोग देख के हंस रहे होते हैं, गुंडे लोग जो होते हैं। वो कह रहे थे कि हाँ हाँ एक बच्ची, हाँ हाँ मज़ा आएगा मज़ा आएगा। कह रहे हम देखते हैं मुफेंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो तुम लोग सेटिस्फाई कैसे हो गए। वो कह रहा होता है कि गोंगसू को बोलो कि मेरे सामने घुटनों पर टेक के माफ़ी मांगे, वो भी मेरे दादाजी से। लेकिन हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि मैं हूँ तेरा दादा, इधर आ मेरे से फाइट कर कर मेरे से फाइट। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि हाँ सही बोला तुम फाइट कर सकते हो तुम फाइट। अरे यार वो मूवी में था रियल में नहीं था, शिट। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, वो भाई गोंगसू को कॉलर पकड़ लेता है। अब वो उसका जो जैकेट होता है वो पकड़ लेता है और उसको कह रहा होता है कि अच्छा तो तू मेरे से फाइट करना चाहता है, छोटा मोटा ट्रिक यूज़ कर रहा है, बोल मेरे को, गुस्सा दिला रहा है। अब वो जैसे ही पकड़ता है ना, वैसे हम देखते हैं वो छोटी लड़की भी उसका हाथ पकड़ती है। अब वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है ना, छोटे से हाथों से इतने बड़े मतलब इतने भारी हाथ को वो पकड़ लेती है। अब वो जैसे ही पकड़ती है, पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि तुम। अब धीरे धीरे करके भाई उसका प्रेशर बढ़ रहा होता है, वो बंदा देखता है, कह रहा था कि शिट आखिर ये लड़की, ये छोटी सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। खैर हम देखते हैं इसी के साथ ना वो उसे उठा के बाहर फेंक देती है। खैर मतलब भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से 20 पुशअप नहीं मारे जाते और ये एक छोटी सी लड़की इतने बड़े बॉडी बिल्डर इंसान को उठा के फेंक दे रही है, खैर जाने दो। फिलहाल सब लोग देखते हैं, अब उसके बॉस वो बंदे कह रहे होते हैं कि बॉस को मारेगी हैं। अब वो जैसे दोनों के दोनों उसके पास आते हैं ना, वो दोनों मतलब दूर फेंके जाते हैं। अब ये दोनों खड़े खड़े देख रहे होते, कह रहे होते कि ये हो क्या रहा है। खैर हम देखते हैं वो छोटी लड़की इसके मुंह पर लात दे के मारती है और अपना हथियार निकाल लेते जो खंजर टाइप का होता है। अब कह रही होती कि तो अब आएगा मज़ा, रुक जा मैं तेरी हेल्प करती हूँ तेरा मैटर सॉल्व करने में। अब वो जैसी मतलब खंजर घोपने वाली होती है, वैसे हम देखते हैं इबाया आता है, वो उसका हाथ रोक लेता है और कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, इतना काफ़ी है, रुक जाओ। अब वो देखते हैं, कह रही होती है अरे मास्टर आप यहाँ पर। तभी ईबा इन लोगों से पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ आखिर यहाँ पर सब लोग ठीक है ना, किसी को लगी तो नहीं। मुफेंग कह रहा होता है कि नहीं किसी को कुछ नहीं लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो बेकार हो गया। अब ईबा इसके पास आता है, कह रहा होता है कि ब्रदर जाएंगे देखो हम लोग बिजनेसमैन इंसान है, ठीक है मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे माफ़ करना मेरे आदमियों ने तुम्हें मारा, थोड़ा सा जो चोट मार दी। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि थोड़ा सा, वो कह रहा होता है कि सॉरी ब्रदर देखो आपका जो भी नुकसान हुआ हम लोग बाहर जाना भर देंगे, आप चिंता मत करो ठीक है, और हम लोग आपकी टेरिटरी से चले जाएंगे ठीक है, प्लीज़ हमें जाने दो। तभी हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। वो कह रहा होता है कि ठीक है अब क्या मैं जा सकता हूँ। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स तुम जा सकते हो। खैर हम देखते हैं भाई मोटा आदमी डर जाता है बहुत ज़्यादा। तभी मुफेंग पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है। ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, ये उसके कनेक्शन है बड़े बड़े लोगों से। मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे आखिर तुम इतनी स्ट्रांग कब से हो गई बताना जरा, तुमने उस लड़की के हाथ से जो खंजर है वो तुरंत रोक लिया कैसे। अब ईबाई उसे बता रही होती, कह रही होती कह रही तुम भूल गए क्या, मैं पहले से ही अच्छी थी, याद नहीं है क्या तुम्हें, डैड ने एक मार्शल वाले बंदे को भेजा था मुझे मार्शल सिखाने के लिए, अरे वो मेरी तारीफ भी किया करते थे, भूल गए क्या तुम। अब वो कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, वैन वैन देखो मैं यूजलेस हूँ सच में, अगर मैं स्ट्रांग होता ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता और यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है मुझे बचा पाता, लेकिन शेट मुझे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। वैन कह रही थी, कह रही नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम तो मेरे बेस्ट बड़े भैया हो, वो भी इस दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट भैया हो। अब वो ये बात बोली होती है, खैर सीन से पता में दिखाई दे रहा होता है कि वो पर्सन कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि बॉस टाई बहुत बुरी बात है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई है। वो कह रहा होता है क्या अनएक्सपेक्टेड, वो कह रहा होता है कि जाओ के जो बंदे हैं वो पिट चुके हैं और उन्हें एक प्रो बंदे ने मारा है। हैं ईबाई के भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है क्या, वो भी गुंडों के मतलब गैंग से। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं वो तो एक लड़की ने मारा है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि हैं क्या बकवास कर रहे हो, यूजलेस हो तुम लोग सारे के सारे आदमी, बेकार हो, एक छोटी सी लड़की से मार खा गए, शिट। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है लीजी से कांटेक्ट करो ओके, और हमारा टारगेट गोंगसू होना चाहिए।
खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो बैटमैन होती है ना वो देखती खेल होती, कह रही सियान तुम वापस आ गए। अब सियान आया होता है जो कि उसके साथ जिसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है। बैटमैन पूछ रही होती है, कह रही ये सब क्या है। वो कह रहा होता है कि ये मेरे को सुई ने दिया है, ये गिफ्ट है। अब उसके पास आता है, कह रहा होता है कि तुम सोई नहीं। बैटमैन कह रही होती है कि हाँ मेरे को अभी सेट पर ना कोई बंदा हरकतें कर रहा था तो मैंने जियाओ जियाओ को भेज दिया वहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए, हालांकि उसने उसको सबक सिखाया, कोई बड़ी डील नहीं थी। सियान देखता है उसकी तरफ। बैटमैन कह रही होती है, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों देख रहे हो। सियान अजीब सी शक्ल बनाता है और उसकी तरफ देखने के बाद कह रहा होता है कि ठीक है और लाइट ठीक है, और ये बताओ टैंक कैसा है। वो कह रही होती है कि टैंक अभी सोने गया है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सियान कह रहा होता है किस बारे में। बैटमैन कह रही होती है कि देखो हम दोनों ना काम पे चले जाते हैं डेली डेली, तो मैं नहीं लगता कि जो टैंक है वो अकेला घर पर रहता होगा, वो लोनली फील करेगा। सियान कह रहा होता है कि हाँ तो क्या करना चाहिए। बैटमैन कह रही होती है कि तू कैसा रहेगा कि हम उसके लिए ना एक पैट दे दे, बताओ कैसा रहेगा, आइडिया अच्छा है ना। सियान कह रहा होता है कि पैट, हाँ तो सू से कह दो वो ले आएगा तुम्हारे लिए पैट। बैटमैन कह रही होती है, अरे नहीं पैट की जरूरत नहीं है, हमारे पास है ना ऑलरेडी एक वो बड़ा वाला। अब बैटमैन ना मतलब स्नोबॉल की बात कर रही होती है, कह रही होती है कि देखो वो कितना ज़्यादा क्यूट था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही प्यारा, वही चाहिए मेरे को, वो ये बात बोल रही होती है। अब सू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या बैटमैन की नज़र में नाइस का मतलब कोई गलतफहमी होती है क्या। खैर मास्टर कभी भी अग्री नहीं होंगे इस बात को, मेरे को पता है। तभी हम देखते हैं सीहान कह रहा होता है कि सू जाओ जाके प्रिपेयर करो। अब सू कह रहा होता है कि ठीक है नहीं जैसा कि मुझे पता था। खैर हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह पे आ चुकी होती है कि जो गोंगसू होता है वो फाइट वगैरह कर रहा होता है, इसके बारे में मतलब बहुत सारी न्यूज़ वगैरह फैली होती है और वो कह रहे होते हैं कि इसको जो फिल्म है वो कैंसिल करनी होगी। बैटमैन कह रही होती है कि अच्छा तो काई ये गेम खेल रहा है, ठीक है करता रहे मज़े करता रहे। तभी गोंगसू ने एक बहुत बड़ी पोस्ट डाली होती है जिसमें इसने लिखा होता है कि बेटा मैं तेरी ना हड्डी पट्टी एक करूँगा, चिंता मत कर, और इस बार हमारी मूवी को मूवी किंग का टाइटल मिलेगा। अब वो ये सारी बातें लिख देता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ बाय बाय टाटा, ये बात बोल के मतलब चला जाता है। खैर बैटमैन कह रही होती है कि शिट यार ये बंदा आखिर इसने लो चैन को क्यों घसीटा। तब इसके पास ना डोंग जी का कॉल आता है। अब वो फ़ोन उठाती है, डोंग जी बता रही होती है कि जो गोंगसू है उसने ये हरकतें कर रखी है। बैटमैन कह रही होती है कि हाँ मैंने देख लिया। वो कह रही थी कि सॉरी ब्रदर हम लोग उसे रोक नहीं पा रहे हैं, और कह रही होती है कि देखो जो पोस्ट है वो डिलीट नहीं करने वाला, उसने डिलीट करने से मना कर दिया। तो अब वो कुछ बोलने वाली होती है, बैटमैन कह रही होती है कि तो बताओ क्या ये सही नहीं है, हो सकता है कि वो मूवी किंग का टाइटल जीत जाए, बताओ अच्छा नहीं आइडिया है। वो कह रही होती है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखो हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बैटमैन कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है मैटर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी ट्रू एबिलिटी दिखानी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ठीक है हम लोग दिखाएंगे ना अपनी एबिलिटी दिखाएंगे। अब वो ये सारी बातें बोली होती है और कह रही होती है कि ठीक है इस बार गोंगसू को अपनी फिल्म पर ही मतलब अटेंशन देने दो, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दो। तभी सियान इसके पास आता है, वो कह रही होती है अरे सियान तुम जाग गए, वैसे टैंक टैंक का है मैंने उसे देखा नहीं। सियान भी कह रहा होता है कि मैंने भी नहीं देखा। बैटमैन कह रही होती है कि बड़ी स्ट्रेंज की बात है, पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है ना वैसे ही देखती है कि अरे ये क्या हो रहा है। खैर हम देखते हैं भाई मतलब रूम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा होता है, अब बीचों बीच में मतलब फ्रेम में डाल रखा होता है 7 डेज़। बैटमैन देखती है, कह रही होती है कि वाह अब भाई गुब्बारे वगैरह लगा रखे होते हैं। तभी टैंग आता है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता होता है। वो कह रहा होता है कि मॉम ये लो ये आपके लिए। अब बैटमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है क्या ये मेरे लिए है। टैंग कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स ये आपके लिए है। अब वो बता रहा होता है कि सभी लोगों ने मिलकर उनका मतलब उसकी हेल्प करी है, रूम वगैरह डेकोरेट करने में मदद करी है, अंकल ने उसके लिए ये गुलदस्ता वगैरह लेकर आया, उन्होंने बोला था कि आपको रोज़ पसंद है। बैटमैन कह रही होती है कि हाँ थैंक यू सो मच मुझे बहुत पसंद है आई लव यू। अब वो सोच रही होती है कि मैं तो सरप्राइज हो गई। तभी वो कह रही होती है कि वैसे आज है क्या कुछ है क्या आज। टैंक कह रहा होता है कि हाँ आज बहुत बड़ा ही स्पेशल ओकेशन है। वो कह रही थी कि स्पेशल ओकेशन कैसा स्पेशल ओकेशन। टैंक कह रहा होता है कि आपको और मेरे को मिले 7 दिन हो चुके हैं ना, तो इसलिए आज ये 7वां दिन है क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। टैंक ये बात बोलता है, बैटमैन उसे हक कर लेती, कह रही थी कि हेलो थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। अब वो ये बात बोल रही होती है, टैंक भी कह रहा था कि हाँ लव यू टू। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो पीछे साइड में देख ही रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है टैंक की मम्मी क्या आप मुझे छोड़ के चले जाओगी ना एक दिन। बैटमैन कह रही होती कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो सोच रही होती है कि अरे नहीं अगर इसकी रियल मम्मी मिल जाएगी फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं। खैर हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग मतलब नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं और फुल मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बैटमैन कह रही होती है कि तो ठीक है फिर ये एग किसको चाहिए। अब वो जैसे एग के बारे में बात करती है दोनों के दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब दोनों ऐसे देख रहे होते हैं जैसे भाई दोनों को एग चाहिए होता है। बैटमैन कह रही थी कि ओ शिट आखिर मैं कहाँ फंस गई, ये किस टाइप की बैटल है। अब भाई दोनों की निगाहें ना जो उस एग के ऊपर होती है, लेकिन हम देखते हैं बैटमैन ना दूसरी प्लेट से एक एग उठाती है, अब वो दोनों की प्लेट में डाल देती है, एक उधर है तो एक उधर। अब वो जैसे ही डालती है दोनों दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि है ये क्या हुआ। अब बैटमैन यही बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि शेट मुझे ये मैटर ना ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर मैं फादर की तरफ गई तो बच्चा नाराज, बच्चे की तरफ गई तो फादर नाराज, क्या करूँ मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तभी वो उससे पूछ रही होती है, बाय द वे टैंक, मम्मी डैडी को काम पे जाना होता है ना, इसलिए वो चले जाते होंगे और तुम अकेले हो जाते होगे, तो मम्मी ने ना तुम्हारे लिए क्यूट सा पैट लेकर आई है, क्या तुम खेलोगे उसके साथ में? टैंक कह रहा था कि थैंक यू सो मच मम्मी, लेकिन हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि ठीक है मैं ना तुम्हें कल उससे इंट्रोड्यूस करूँगी, ओके बाद में। तभी सू आता है, मिस वैन वैन। अब वैन वैन कह रही होती कि तो मिस्टर सू आप वो ग्रेट वाइट टाइगर को ले आए? सू कह रहा होता है कि हाँ, वैसे आप श्योर हो ना कि ग्रेट वाइट से यंग मास्टर डरेंगे तो नहीं? वैन वैन कह रही होती है अरे नहीं 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 डरेंगे, वो तो इतना क्यूट है, उससे कौन भला, मतलब उससे कोई क्यों डरेगा। सू कह रहा होता है कि ऑल राइट ठीक है फिर देखता हूँ क्या होगा। तभी जो टैंग होता है वो कह रहा होता है ग्रेट वाइट, वैन वैन कह रही होती है कि हाँ ग्रेट वाइट वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, टैंग कह रहा होता है कि क्या वो रैबिट है? तभी जो सियान होता है ना वो आराम से चाय की चुस्की ले रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई वाइट टाइगर आ चुका होता है, जो कि मतलब बिल्ली की तरीके से लग रहा होता है, मतलब बिल्ली के भेस में लग रहा होता है। अब सू देखता है उसे, कह रहा होता है कि शिट यार, ये टास्क पूरा करने में मैंने पूरी रात बिता दी, अपनी जान का रिस्क लिया और जैसे तैसे करके इसे ढूंढा है। तभी वेपन खड़ी होती है, कह रही थी कि वाओ ये देखो स्नोबॉल आ चुका है, ये देखो वाइट टाइगर, हे टैंक हेलो करो उसे जाओ। अब हम देखते हैं वो उसके पास आती है, कह रही थी कि देखो डरो मत, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन वाइट टाइगर उसे घूर रहा होता है। तभी टैंग आता है, कह रहा होता है कि हेलो मेरा नाम टैंग टैंग है। अब जो वाइट टाइगर होता है वो अब अपने मन में कह रहा होता है कि गधे इंसान दूर रह मेरे से, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब वो मतलब घुर्रा रहा होता है उसकी तरफ। खैर तभी हम देखते हैं टैंग ना उसकी तरफ देखता है बड़े ध्यान से। अब ध्यान से देखने के बाद ना उसे कुछ नोटिस होता है, वो सोच रहा होता है कि मे बी हो सकता है कि इस वजह से हो। खैर हम देखते हैं उसकी जो मतलब पिंक कलर की पट्टी होती है ना, वो उसे निकाल देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, है ना तुम्हें ये नहीं पसंद? अब वाइट टाइगर उसकी तरफ देखता है। अब टैंक कह रहा होता है कि देखो तो मैंने इसे निकाल दिया, वैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब टैंक ये बात बोलता है, वो घुर्रा रहा होता है उसे, लेकिन बाद में कह रहा होता है कि है छोड़ो जाने दो, मुझे इसे प्यार करना ही पड़ेगा। खैर हम देखते हैं बाद में उसे मतलब नाइसली तरीके से बिहेव करने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। टैंग उसकी तरफ देखता है, वो भी उसे प्यार करने लगता है। अब सू देखता है ये क्या हो रहा है। टैंग कह रहा होता है कि देखो मम्मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या मैं गार्डन में जाके इसके साथ खेलूँ? वेवन कह रही होती है कि हाँ ऑफकोर्स तुम जा सकते हो, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब वो उसके ऊपर बैठ जाता है और जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो गार्डन में खेलेंगे ये भाई, मतलब ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। सू देखता है, कह रहा होता है कि शिट यार ये हो क्या रहा है, ये मतलब ऐसी वैन वैन है ऐसी ये भी हैं। खैर इतने हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो इन दोनों की फ़ोटो वगैरह ले रही होती है और कह रही होती है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे फ़ोटो ले लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है वाइट टाइगर तो ठीक है, लेकिन टैंग वो तो किसी और का बालक है ना। तभी वैन 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 उसके पास आती है, कह रही होती है मेरे को टैंग को वापस नहीं करना, मैं नहीं करना चाहती। तभी सियान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। यहाँ पे बैमन कह रही होती है कि हाँ वो अलग बात है, मेरे को बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन टैंग ना मेरा ही बच्चा है, मैंने उसे जन्म दिया है। अब वो ये बात बोल देती है अचानक से। सियान इसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर ये मुझे लगता है ये रोल में कुछ ज़्यादा ही घुस चुकी है। बैमन कह रही होती है कि देखो ना पता है तुम्हारा जो बेबी होगा वो मुझे लगता नहीं कि वो अच्छा होगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, ऐसा सियान बोलता है। वैमन कह रही होती है कि देखो जो टैंग है ना उसका आईक्यू तुमसे ज़्यादा है, मतलब तुम्हारे बेटे से ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा ना अनसाइंटिफिक होगा। वैमन ये बात बोलती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई सियान के दिल पर लगती है, वो समझ चुका होता है, कह रहा होता है क्या इसका मतलब है कि मेरा बेटा मतलब इंटेलिजेंट नहीं होगा। अब वेवन कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ, टैंग टैंग को तक को पता है कि मेरे को फ्लावर देना है, और तुम एज अ मेरे बॉयफ्रेंड तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मेरे को कुछ भी नहीं देते। सियान कह रहा होता है कि अच्छा अरे तुमने मेरे चांस कहाँ दिया है। वेवन कह रही थी कि शिट मैंने चांस नहीं दिया, मैंने इतनी बार डेट पर गई हूँ उसके साथ और इसने कुछ भी नहीं किया, मेरी सारी डेट बेकार हो गई, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया। अब वो नाटक कर रही होती है। सियान उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं इसे क्या हो जाता है। खैर हम देखते हैं उसका मतलब मुंडी पकड़ता है, ले भैया स्टार्ट परफॉर्मेंस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी होती है, जो कि मतलब टॉप गियर पे होती है। खैर हम देखते हैं वो उसे कह रहा होता है कि तो तुम अभी भी खो रही हो कुछ, बताओ क्या अभी भी खो रही हो मेरे को। वेवन कह रही होती है कि नहीं 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 बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है। अब वो फिर से तारीफ करने लगती है। खैर यही सब चले जा रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि ठीक है मैं अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके आती हूँ। अब वो सोच रही होती है कि मेरी जो पहली लाइफ थी ना उसमें मैंने हमेशा मतलब सियान से भागती थी और गो से हमेशा प्यार करती थी, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसके पास ना कैप्टन नी का मैसेज आता है। अब उसमें लिखा होता है कि आखिर टैंक टैंक क्या कर रहा है आजकल। वेवन कह रही थी कि वो तो बिल्कुल मौज मस्ती में है, मैंने उसे पैड दिया है। अब कैप्टन कह रहा होता है कि अच्छा छोटा मोटा पैड दिया होगा है ना। वो कह रही थी कि नहीं उसके पास बहुत बड़ा टाइगर है। अब हम देखते हैं वो उसे फोटो वगैरह मतलब भेज देती है। वो जैसी फोटो भेजती है ना भाई ये तो पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि हैं इतना बड़ा टाइगर, शिट यार मुझे तो झुकना पड़ेगा तुम्हारे सामने, शिट ये फोटो। अब ये बेचारा वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे बातचीत वगैरह हो रही होती है, वो बता रहा होता है कि उसने ना पार्टिसिपेट वगैरह किया है और वो जीत चुका है। मैम कह रही थी क्या कौन सा पार्टिसिपेट? अब वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसे ना प्राइज़ मिल चुका है 50,000 का।
अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई, वो किंडरगार्टन लेवल का कंपटीशन होगा। खैर हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि लेकिन तुमने तो बोला था ना कि जो तुम्हारा दिमाग है उससे पैसे कमाने से दर्द होता है, बताओ। तभी वो कह रही होती है कि ठीक है ब्रदर, तुम जीत गए हो माई डियर बिग ब्रदर। अब वो ये बात बोलती है वेवन, जैसी वो ये बात बोलती है ना, अब ये कैप्टन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या माई डियर बिग ब्रदर, ओ नो। अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल में आ जाता है। तभी एक पर्सन पूछ रहा होता है, टियान कह रहा होता है कि आखिर कैप्टन को हुआ क्या है। वो लड़की कह रही होती है कि और क्या, उसे अपनी बहन की याद आ रही है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा मैंने सुना है नी फैमिली ने ना कभी भी अपनी बेटी को नहीं पाला, आखिर फिर किसने पाला। वो लड़की कह रही होती कि वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर कैप्टन ने नहीं बताया होता ना कि इसकी बहन है तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना शूटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सब लोग चिल्ला रहे होते हैं गॉन्ग सू लुओ चैन आई लव यू फलाना ढमकाना जो भी सब कुछ चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं इबे भी आ चुका होता है, अभी स्कूल में ना मतलब शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हैन देखता है, कह रहा होता है अरे क्या हुआ तुम मेरे को ऐसे क्यों देखे जा रही हो, बताओ। अब हैन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें बताओ। अब इबे कह रहा होता है कि अरे कुछ भी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो आज, पता नहीं। अब मेरे को समझ में आया कि आखिर मेरी जो फ्रेंड है वो स्कूल वाली, वो तुम्हें क्यों पसंद करती है। अब वो ये बात बोलता है, वो कह रहा होता है क्या तुम्हारी क्लासमेट, हाँ मुझे तो उसके बॉयफ्रेंड से ना बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है, क्योंकि भाई वो हमेशा सेकंड रैंक पे रहने वाला है, तुम ही टॉप रैंक पे रहने वाले हो। एक मिनट, वैसे क्या इसे पता है कि इसकी क्लासमेट मतलब कि यनरैन के बारे में, क्या इसे पता है कि ये वैन वैन है। खैर हम देखते हैं इसके पास फ़ोन आता है यनरैन का। अब वो कह रही होती है कि लो देखा शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वो उसमें से मुझे कॉल किया है, मैं एक बार फ़ोन उठाती हूँ बात करके आता हूँ। वो ये बात बोलता है, ये हैन कह रहा होता है कि ठीक है जाओ। तभी हम देखते हैं फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हाँ हेलो यनरैन। वो कह रही होती है कि शिट यार हैन ये यहाँ पर आ रखा है स्कूल में, मेरी क्लास है मैं नहीं देख सकती उसे क्या करूँ मैं नहीं जा सकती। तभी वैन के ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है शांत हो जाओ चिंता मत करो। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर वैन वैन चिंता मत करो मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं हैन को देख कर आऊँगा, फोटो खिंचवाऊंगा और यनरैन को दूंगा ये। खैर इसी के साथ हम देखते हैं क्लासेस वगैरह चल रही होती है और यहाँ पे शूटिंग वगैरह हो रही होती है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्यों कमीने इंसान मेरी बहन से दूर हो जा, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ तुझे यहाँ मत आइयो कभी। अब गाँव से बेचारा पिट रहा होता है, वो कह रहा होता है कि स्टॉप इट कहीं का। अब वो ये बात बोलता है, खैर हम देखते हैं इनकी एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी चल रही होती है। तभी डायरेक्टर ना गोंगसू की तारीफ भी करने लगता है, कह रहा होता है कि वाह नॉट बैड नॉट बैड गोंगसू, तुम्हारी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी गोंगसू खुश हो जाता है मतलब राय के पहाड़ पर चढ़ जाता है, कह रहा होता है कि देखा ब्रदर ही देखा इस बार मुझे गोल्डन ऑर्चिड अवार्ड जरूर मिलेगा। अब वो खुश हो जा रहा होता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ चले जा रहा होता है, तभी हैन उसके पास आता है, कह रहा होता है कि पता है जो स्क्रिप्ट है ना बहुत ज़्यादा ही हाई है, मुझे लगता है नहीं कि ये हो पाएगा, मतलब गोल्डन ऑर्चिड मिले पाना मुश्किल है। वैसे लुओ चैन के बारे में भी वैन कह रहा होता है कि चिंता मत करो हम लोग अच्छे से एफर्ट डालेंगे। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ लेकिन अभी तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तो नहीं है इस बारे में। इबाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो सब कुछ हो जाएगा, हम गोंगसू को अच्छे से एफर्ट डालेंगे चिंता मत करो। तभी हैन कह रहा होता है कि हाँ फिर भी लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद का पार्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इबाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ चिंता मत करो विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं गोंगसू को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगा और अच्छे से सिखाऊंगा। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ई गू के पास में होती है और वो कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मुफेंग के ट्रैप में फंस जाऊंगी। गू कह रहा होता है कि देखो अपने ऊपर ब्लेम मत डालो, ठीक है तुमने नहीं बल्कि टेन ने स्क्रिप्ट चुराया था, ओके। वो कह रही होती है कि हाँ लेकिन इस बार स्क्रिप्ट तो मुफेंग के हाथ मतलब हाथ में है ना। गू कह रहा होता है कि हाँ चिंता मत करो जो प्रोड्यूसर रैंग है ना वो हमारी साइड है, ओके। अब वो लड़की कह रही होती है कि क्या प्रोड्यूसर रॉन्ग, वो जिन्होंने जो बॉक्स ऑफिस है वो सेट किया था। अब गू कह रहा होता है कि हाँ वही फिलहाल, ये लड़की कह रही होती है कि अरे गू थैंक यू सो मच इस बार, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। गू से पकड़ता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूँ ना। अब ये भी कह रही होती कि हाँ थैंक यू सो मच मैं तो तुम्हारी कर्जदार हूँ। अब यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना ई, वो सोच रही होती है, कह रही होती कि इस बार मेरे को गू फैमिली में जल्दी जाना पड़ेगा ताकि मैं ई फैमिली को अपने कंट्रोल में ले सकूँ। अभी लड़की यही बात सोच रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एक बंदा, कह रहा होता है कि डैम इट आखिर ये लड़की कहाँ से आई है, कि कौन है ब्यूटी, मैंने तो कभी देखा ही नहीं इसे। अभी और कोई नहीं वैन वैन होती जो कि मतलब अपनी पहली क्लास लेने के लिए अब आ रही होती है बहुत टाइम के बाद। अब वो देखती है आके बैठती, कह रही थी कि शेट यार मेरी पता नहीं कब बात हुई थी जब मैं ग्रैंडफादर के बर्थडे में मिली थी ना तब। तभी एक पर्सन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्लासमेट क्या आप हमारे डिपार्टमेंट में हो, हमने तो कभी देखा नहीं आपको। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ने लगती है। वो कह रही होती है कि देखो तुम ये कैसे बकवास कर सकते हो। वो कह रहा होता है अरे मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं, मतलब बस थोड़ा क्यूरियस था इससे पूछने के लिए। अब यहाँ पे फिर से फाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है, वेमन ये फाइट देख रही होती है।
अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि जो टीचर होते हैं वो भी आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि हेलो एवरीवन, आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ना हम लोगों को एक सेमिनार का इनविटेशन मिला है और उसका जो टॉपिक होने वाला है, मतलब हाल फिलहाल में तुम लोग टॉपिक देख लो, जो टॉपिक तुम लोगों को समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो। तभी एक पर्सन हाथ खड़ा करता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना हैन के बारे में नहीं पता, आखिर उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया था या फिर नहीं किया था। सब लोग अपने अपने तरीके से कहानी बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं टीचर भी कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, तो फिर कौन इस केस को सुलझाने वाला है। अब वो मतलब पूछ रहे होते हैं बच्चे से, सब लोग हाथ उठा रहे होते हैं। टीचर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हाँ मैंने आज अपनी क्लास में ना सबसे बड़ी टॉपर को देख लिया है जो कि हमारी स्कूल की टॉपर है, उसका नाम है ईवेन वैन। सब लोग कह रहे होते हैं कि ईवेन वैन, मैंने उसका बस नाम सुना है, देखा नहीं। तभी वैन वैन खड़ी होती है। अब वो जैसी खड़ी होती है उसके बगल वाला बंदा देख के शॉक्ड हो चुका होता है। वैन कह रही होती कि प्रोफेसर ली। अब टीचर भी कह रहे थे कि वैन वैन, तो चलो बताओ हम सभी लोगों को तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब वैन वैन कह रही होती कि ठीक है फिर इस मैटर में ना, वो बता रही होती है, तभी अपने मन में सोच रही होती, कह रही होती कि इस मैटर में मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता है। खैर तभी इसके बगल वाला बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, ये लड़की सच में वैन वैन निकली, और शिट। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहा होता है। खैर हम देखते हैं क्लास वगैरह ओवर हो चुकी होती है, टीचर उसके पास आते हैं वैन वैन के पास, कह रही होती, कह रही तुम इतना लेट कैसे आई, और मैंने सुना है कि तुम क्लासेस वगैरह लेने बहुत कम आते हो, क्या तुम बिजी हो। वैन वैन कह रही होती कि हाँ मैं थोड़ा अपने भाई के प्लेस पे काम करती हूँ। टीचर कह रही होती कि अच्छा, अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता, ठीक है चिंता मत करो। खैर वो कह रहे होते कि ठीक है मेरे ग्रैंड पा ली के घर पर जरूर आना, हम लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे। अब वो ये बात बोले होते हैं। वैन वैन कह रही होती कि हैं ठीक है ओके। खैर तभी हम देखते हैं, हमें ना दिखाई देता है कि जो सियान होता है ना उसकी कार आ चुकी होती है, रॉयल्स रॉयस। अब वो आगे रुकती है, अब उतरता है, देखता है कि सब लोग ना उसे घेर के बैठे हुए होते हैं। क्लासमेट ही, प्लीज़ मेरे को अपना वीचैट अकाउंट दो ना, अरे आप हमारे ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लो, प्लीज़ हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। सब लोग भाई उसे घेर चुके होते हैं। वैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुकी होती है। खैर तभी वो कह रही होती है कि ठीक है गाइस सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरा बॉयफ्रेंड ना वहाँ पे वेट कर रहा है मेरा, हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके यार क्यों बकवास कर रहे हो, मेरी लाइफ खतरे में है, बिल्कुल लाइन पर है, मैं मरना नहीं चाहती। वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। खैर वो उसके पास आती है, कह रही थी कि चलो चलते हैं, मैंने तुम्हारा बहुत समय से वेट करवाया है ना। सियान कह रहा होता है कि नहीं, मैं तो अभी पहुँचा हूँ। अब वो अंदर आके बैठते हैं। अब वो जैसे अंदर आके बैठते हैं, सियान कह रहा होता है कि चलो पहले मॉल ले चलो। जोसू होता है वो कह रहा होता है कि यस नाइन्थ मास्टर। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि आज ये करना है हमें, पहले मॉल जाना है, शॉपिंग वगैरह करनी है, उसके बाद ना हम लोग को बंकेट जाना होगा, उसके बाद हम लोग को इवनिंग में मिस्टर मुँह से मिलना है। वैन कह रही थी क्या तुम गुस्सा हो। सियान कह रहा होता है क्यों गुस्सा क्यों होऊंगा मैं। वैन कह रही थी कि ठीक है अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा तो फिर मुझे गुस्सा आ रहा है। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती कि सियान बहुत जल्दी मतलब कम गुस्से वाला हो चुका है। अब वो कह रही होती कि कम ऑन जल्दी हरी अप। सियान कह रहा होता है क्या करना है तुम्हें मुझे। वो कह रही होती कि देखो अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी, जल्दी करो। अब वो ये बात बोले जा रही होती और इशारा कर रही होती, कह रही होती कि जल्दी। लेकिन हम देखते हैं भाई सियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो अचानक से बोलता है अच्छा ठीक है देखो वैसे तो ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी। अब उसे केस वगैरह करने लगता है और वो कह रही होती कि अब मुझे अच्छा लगा, ही अब अच्छा हुआ तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अब यहाँ पर मतलब स्टार्ट हो चुका होता है इनका जो दिल वगैरह है वो स्टार्ट हो चुका होता है। अब सुबह कह रहा होता है कि चलो ठीक है यार। तभी हमें ना इनके कार के पीछे एक स्पोर्ट्स कार भी दिखाई दे रही होती है और उसके पीछे और कोई नहीं मतलब हैन बैठा हुआ होता है। अब उसका एक दोस्त कह रहा होता है कि हैन यू क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। हैन कह रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं, फिलहाल वो अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने ना अभी ईबाई के बॉयफ्रेंड को देखा, मैंने देखा कि उसने अभी एक स्कूल की लड़की को अपने साथ बैठाया। अब वो यही सारी बातें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर यांग प्लीज़ तुम ना उस ब्लैक कार का पीछा करो। वो पर्सन कह रहा होता है कि फॉलो करूँ लेकिन क्यों क्या हुआ। हैन कह रहा होता है कि कुछ नहीं बस तुम फॉलो करो, ठीक है जल्दी फॉलो करो जैसा मैं बोल रहा हूँ। अब इसी सस्पेंस के साथ में यहाँ पे जो ये एपिसोड है वो आज का खत्म हो चुका होता है। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नए वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ जाने से पहले क्या करना है तुम लोगों को, एक लाइक के बटन पर मतलब नीला कर दो और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर देना, जिसे देखना है देखेगा, जिसे नहीं देखना है वो ना देखे, मुझे क्या।